मामले में सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि भाई BSTC में लेवल सेकंड को शामिल किए जा रहे हैं। जिस बच्चे ने BEd कर रखी है वो सेकंड लेवल में भी फाइट कर सकता है, फर्स्ट ग्रेड में भी कर सकता है, सेकंड ग्रेड में भी कर सकता है, लेकिन जो लेवल फर्स्ट का बच्चा है वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम फाइट कर सकता है। और उसमें भी आप अगर उसको BEd वाले को शामिल कर रहे हो तो एक बच्चे का इस तरह 12वीं क्लास का और उसके बराबर आप ग्रेजुएशन को लगा रहे हो, तो इनका वो हक मारने का काम कर रही है। और मेरी राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, बहुत संवेदनशील आदमी है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस मामले में बच्चों के बारे में थोड़ा सोचा जाए, कोर्ट में इनका पक्ष है वो पूरी मजबूती के साथ रखा जाए, क्योंकि राजस्थान के 4.5 लाख परिवारों का सवाल है। और इन बच्चों के गांव से निकले, आप देखो गांव में ऐसी स्थिति, अभी बता रहे थे जैसे कि गहने बेच के, जमीन बेच के लोगों ने, आप उसको बंद कर दो ना, आप अगर आप BSTC वालों को अगर नहीं करवा रहे तो आप BSTC करवाते क्यों, फिर बंद कर दो। एक साइड से तो बच्चे से आपने फीस ले ली है, दूसरी साइड जब उसकी बात आई कि उसको कल को उसको कोई काम दिया जाए तो आप उसको काम नहीं दे रहे हो, तो ये बिल्कुल है ना, बिल्कुल जायज़ नहीं है। बच्चों का हक मारा जा रहा है और ये कोई खैरात नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, ये बच्चों का अधिकार है। और इसमें सरकार को एकदम, और मैं डोटासरा जी से भी, जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मेरा विशेष अनुरोध है, आपके माध्यम से भी मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर ये जो हो रहा है ये पूरा मामला गलत हो रहा है और बिल्कुल उनके सामने हो रहा है, तो बड़े संवेदनशील आदमी हैं, इस मामले को थोड़ा सा पर्सनली ले, उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। परिवार में अगर जो कोई भी बड़ा होता है वो कोई गलती करता है, छोटा गलती करता है, तो परिवार में बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब जो इन बच्चों की जो है, इनके अधिकार का, इनके जो हक का मामला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को उसको व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए और इसमें इन्हीं को अलाउ करना चाहिए, BEd वालों को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि BEd वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ग्रेड भी, लेवल फर्स्ट में भी चले जाएंगे, सेकंड में भी चले जाएंगे, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में, तो एक बच्चे के पास तो 10 ऑप्शन है। और संविधान में समानता का अधिकार है सभी को, आर्टिकल 15 में साफ लिखा है कि सभी को समानता का अधिकार है, फिर इन बच्चों के साथ ऐसा दोगलापन क्यों किया जा रहा है, तो ये गलत है। और सरकार को इस मामले में इनका पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और इन्हीं को शामिल करना चाहिए इसमें।